तैमंद फटते हुए बहुत बार देखे, पर उधरते इस साल देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारत द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले से बेचैन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चारों तरफ से मुंह की खाने के बाद अब अपने माथे पर गुलदस्ता मार रहे हैं। हालत यह है कि अब पाकिस्तान ने ईर्ष्या और झुंझलाट में एक ऐसा देश पारित कर दिया है जिसकी पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ रही है। बड़ी बात यह है कि उसके विचित्र आदेश से भारत के प्रति उसके भीतर भरे विष का आभास भी हो रहा है। पाकिस्तान ने अपनी इस नई नौटंकी में कश्मीर और कश्मीरी लोगों के नाम पर बकरा ईद के मौके पर पाकिस्तानी चैनलों के ईद पर विशेष प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी मीडिया नियामक प्राधिकरण ने मीडिया आउटलेट से कहा है कि बकरा ईद पर विशेष कार्यक्रमों को प्रकाशित ना करें, क्योंकि यह न केवल पाकिस्तान की भावनाओं को बल्कि कश्मीरी लोगों को भी आहत कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान का असली निशाना भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और बेयर गिल्स के मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम पर है, जो आज पूरी दुनिया में डिस्कवरी चैनल पर अलग अलग भाषाओं में रात 9 बजे प्रसारित होगा। इस एडवेंचर प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी और बेयर गिल्स को जिम कार्बेट नेशनल पार्क के जंगली जंतुओं के बीच मुश्किल परिस्थितियों से बचकर निकलते हुए दिखाया गया है। डिस्कवरी चैनल ने इस कार्यक्रम को एक साथ बहुत सी भाषाओं में प्रसारित करने का निर्णय लिया है, जो उर्दू भाषा में पाकिस्तान में भी प्रसारित होना था, मगर पाकिस्तान ने सीधे मुंह मैन वर्सेस वाइल्ड को निशाना न बनाकर पहले से रिकॉर्ड प्रोग्राम को प्रसारित नहीं करने का आदेश भी जारी किया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ईर्ष्या इस प्रोग्राम को लेकर ही है। दरअसल इससे पहले बेयर गिल्स पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी अलास्का में कार्यक्रम शूट कर चुके हैं। पाकिस्तान इसी कारण बेचैन है कि मोदी और बेयर गिल्स का यह प्रोग्राम दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एपिसोड ना बन जाए। डिस्कवरी चैनल ने इसे 180 देशों में प्रसारित करने का फैसला किया है, जिससे मोदी की शख्सियत तो मशहूर होगी ही, यह कार्यक्रम कई रिकॉर्ड भी धराशायी करेगा। खास बात यह है कि एडवेंचर पसंद और प्रकृति प्रेमी लोग भी भारत के प्रति आकर्षित होंगे, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में काफी उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान ने जुगत भिड़ाई थी कि बेयर गिल्स उनके प्रधानमंत्री को लेकर फाटा के पहाड़ी क्षेत्रों में कोई प्रोग्राम शूट करेंगे, मगर वहां से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पाकिस्तान वजीर आजम के सलाहकार फिरदौस आसिक अवान ने तो एपिसोड का पूरा खर्च उठाने की बात कही थी, लेकिन इस कंगाल मुल्क के जानवर नरभक्षी और भिखारी है। ऐसे में शायद बेयर गिल्स इस एडवेंचर से टकराने का हौसला नहीं दिखा पाए, लेकिन अपनी खाज मिटाने के लिए पाकिस्तान ने बेयर गिल्स और नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम ही बैन कर दिया। बड़ी बात यह है कि दुनिया के साथ साथ बेयर गिल्स भी नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर मानते हैं। उनकी दृष्टि में इस वक्त भारत के पीएम जैसा नेता दुनिया में नहीं है, इसलिए उन्होंने उनके साथ काम करने को बहुत बड़ा सम्मान माना है, जबकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री केवल वर्ल्ड भिखारी में इस वक्त ऊंचे शिखर पर चल रहा है। संभवतः एक भिखारी के साथ काम करके मैन वर्सेस वाइल्ड की रेटिंग गिराने का जोखिम बेयर नहीं उठाना चाहेंगे। अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर से सफाया होने के बाद पाकिस्तान इतना हताश हो चुका है कि अब वह अपनी मीडिया को ही अविश्वसनीय बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। उसने अपनी मीडिया को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की सलाह दी है। आज बकरीद के अवसर पर पाकिस्तान के तमाम मुख्य टीवी चैनलों ने अपने लोगो व्हाइट रखे हैं, मतलब अपने कुर्ते की फटी जेब से अठन्नी निकालने के लिए हाथ गोल गोल घुमा रहा है। यानी जब इस्लामाबाद के चौराहे पर गधैया नृत्य के लिए मदरसा पैदाइश की भीड़ नहीं जुटी, तो बेयर और मोदी के प्रोग्राम पर खुन्नस निकालने के लिए सारे प्रोग्राम ही बंद कर डाले। पर यह फंटर मुल्क भूल गया कि इसके इस कदम से दुनिया को भारत के प्रति इसके विश्व मन का तो पता चलेगा ही, मोदी की लोकप्रियता में और इजाफा होगा। बड़ी बात यह है कि जिन्हें एडवेंचर प्रोग्राम पसंद नहीं, अब से चंद घंटे बाद वह भी मोदी बेयर का यह प्रोग्राम देखेंगे। इसलिए नहीं कि उनके देखने से रिकॉर्ड बनेगा, बल्कि इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री क्रूर जंगली जानवरों को कैसे खामोश बैठने पर विवश करते हैं, उनके पास ऐसे जानवरों के लिए कौन कौन से इलाज हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कनस्तर फोड़ने के लिए ऐसे जानवरों से दो चार होना बेहद जरूरी है। वैसे भी जंगली सुअर का सही शिकार भाले से ही किया जाता है, और ऐसा ही एक भाला मोदी इस प्रोग्राम में पकड़े नजर आएंगे। यानी मोदी के हाथ में मौजूद भाला पाकिस्तान के शिकार का प्रतीकात्मक ऐसा शस्त्र है, जिससे बिना बकरीद के भी पाकिस्तान की कुर्बानी ली जा सकती है।
वैसे पिछले सोमवार को मोदी द्वारा फंटर मुल्क की कुर्बानी ले भी ली गई है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।